राजेश द इलेक्ट्रॉनिक्स गुरु में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एलईडी लाइट, इसे कैसे ओपन करते हैं। बहुत सारे फ्रेंड्स को मालूम नहीं होता है कि इसे कैसे ओपन करते हैं, तो ये बहुत ही ईजी होता है खोलने के लिए। तो अभी इसे हम खोल के बताएंगे, बाद में इसे क्लीन करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये ऊपर वाला जो कैप है, हमें ऐसा एक स्क्रू ड्राइवर लगेगा, यहाँ से हम इसे खोल सकते हैं। अंदर का जो पीसीबी है, ये पीसीबी को निकालने के लिए आपको यहाँ से पुश करना है, डैमेज नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से इसे ओपन कर सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, दो वायर्स है, एक प्लस है और एक माइनस है। अभी इसके अंदर का जो पीसीबी है, पीसीबी निकालने के लिए आपको यहाँ से ओपन करना पड़ेगा। यहाँ जो स्क्रूज होते हैं वो पुशिंग वाले होते हैं, तो इस तरह से उसे निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। और ब्रांडेड रहेगा तो यहाँ पे सोल्डरिंग वाला आता है, जो यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको कि वो सिस्का कंपनी का है, तो यहाँ पे सोल्डरिंग रहता है। ये जो खोलता है वैसा ही इसे खोल सकते हैं। तो इसके अंदर का पीसीबी निकालना है तो यहाँ से सोल्डरिंग को निकालना पड़ेगा, तो ये पूरा पीसीबी बाहर आ जाएगा। फ्लिकरिंग होता है, ये देख सकते हैं आप, ऐसा फ्लिकरिंग होता है। तो इसका जो सॉल्यूशन है, ये कैपेसिटर जो है, इस कैपेसिटर को चेंज करके तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो हम कैपेसिटर को चेंज करते हैं। ये 24 है ना, कि उसके ऊपर एक ज़ीरो लगाते 820J हो जाएगा। जैसे रजिस्टर्स वैल्यू निकालते हैं वैसे ही इसका वैल्यूज निकाला जाता है। फ्रेंड्स ये मेरे पास बड़ा वाला है, मगर इसमें जो है ये छोटा वाला है, तो मार्केट में छोटा भी मिल जाएगा, मेरे पास ये बड़ा वाला है। तो मैं इसमें वायरिंग करके साइड में इसे लगा सकता हूँ। तो कैसे लगाना है मैं आपको बताता हूँ। तो ये भी चलेगा क्योंकि 400 वोल्टेज है और वैल्यू सेम होना चाहिए, वैल्यू सेम है। इसका भी 824 है, इसका भी 824 है, यानी कि 820J। हमें आगे जो सीरीज़ है उसको देखना है, जे जे होना चाहिए, के रहेगा तो के, तो इसे लगा सकते हैं। वैल्यू सेम होना चाहिए, वोल्टेज भी सेम होना चाहिए। इस कैपेसिटर को यहाँ से निकालना और दो वायर्स ऐसे लेने, कैपेसिटर की जगह पे वायर्स को लगाना है। फ्रेंड्स इसे सोल्डर कर लेना है, इसे अच्छी तरह से सोल्डरिंग करना है कैपेसिटर को। और ये जो वायर्स है इसमें पोलैरिटी नहीं होती, इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटर है, इलेक्ट्रोलैटिक रहेगा तो पोलैरिटी रहेगी। तो ये स्टैटिक में आप इस वायर को कैसे भी लगा सकते हैं। स्लीव जो आता है वो स्लीव डाल देता हूँ। फ्रेंड्स इसके अंदर ये स्लीव डालेंगे ताकि ये शॉक प्रूफ हो जाएगा। एक दूसरे को शॉर्ट नहीं करेगा। अच्छी तरह से सोल्डरिंग करना है। स्लीव डाल देते हैं। फ्रेंड्स देखो, हम कोई पुरानी चीज़ खोलते हैं तो ऐसे वायर्स जो है लूज कॉन्टैक्ट हुए रहते तो वो कट हो जाते हैं। तो हम इसे फिर से लगा देते हैं। देखो ये गर्म हो जाता है, तो गर्म की वजह से ये वायर जो है हार्ड हो जाते हैं, तो इसे भी हम चेंज कर देंगे। यहाँ देखना है आपको प्लस और माइनस, देखिए वाइट जो है वो प्लस है,
पीसीबी के अंदर जैसे हम घाई घाई में उसे चेंज कर देते हैं तो हमें मालूम नहीं पड़ता कि उसका पॉजिटिव किधर है और निगेटिव। तो यहाँ जो है ये रजिस्टर के साथ जुड़ा हुआ है और ये कैपेसिटर से आ रहा है। ये देखिए यहाँ से कैपेसिटर का प्लस ये साइड में है और यहाँ से रजिस्टर के थ्रू ये छोटा रजिस्टर है यहाँ पे, इसका वैल्यू 470 किलो ओम से येलो वायलेट येलो और गोल्ड, तो 470 किलो ओम्स इसका वैल्यू है। आप देख सकते हैं येलो वायलेट और येलो, तो इसका वैल्यू हो गया 470 किलो ओम्स। तो ये जो आ रहे हैं ये माइनस की तरफ जा रहा है, यहाँ माइनस है येलो कलर में और वाइट में प्लस है, तो प्लस जो आ रहा है ये इस रजिस्टर से आ रहा है, ब्राउन ब्लैक ब्राउन, देखिए ब्राउन ब्लैक ब्राउन, यानी कि ये 100 ओम्स हो गया। ये जो हो गया इसका वैल्यू 100 ओम्स है, ब्राउन ब्लैक ब्राउन, और इसका वैल्यू जो है 470 किलो ओम्स। ठीक है, ये आ रहा है प्लस की तरफ, तो ये प्लस है और उसके बाजू में माइनस है, तो हम यहाँ पे नए वायर्स लगाएंगे। फ्रेंड्स से यहाँ पे मैंने कलर में वायर्स लिए, एक ब्लैक और रेड, तो प्लस जाएगा रेड और माइनस जाएगा ब्लैक। देखिए फ्रेंड्स या इस तरह से इसे बाजू में रखना है और किसी भी ये साइड में, इस तरह से इसे परफेक्टली हो गया। इसे अंदर डालने आपको ये ऊपर वाले जो टर्मिनल से वो यहाँ पे इस तरह से लगाना है, एक ये साइड और एक ये साइड। फ्रेंड्स ये बाहर नहीं आने चाहिए बॉडी की तरफ, बॉडी की तरफ आते हैं तो करंट लग जाएगा। इसके ऊपर ये परफेक्ट हो गया। फ्रेंड्स इसे ऑन करके देखेंगे, अभी मैं यहाँ पे बल्ब को लगाता हूँ और इसे ऑन करके आपको बता रहा हूँ। ये अच्छी तरह से ऑन हो गया। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू।